राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा के नवनियुक्त प्रत्याशी आलोक शर्मा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आलोक शर्मा ने आज कार्यकर्ताओं को भाजपा से जोड़ने के लिए एक अहम बैठक की है, जिसमें उन्होंने वर्तमान विधायक पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दरअसल भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा ने आलोक शर्मा को नवनियुक्त प्रत्याशी घोषित कर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की है और टोल फ्री नंबर से लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान आलोक शर्मा ने अपने महापौर रहते हुए अभी विकास कार्यों को गिनवाया है, जिसके बाद उन्होंने वर्तमान विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि 30 साल से उत्तर विधानसभा की क्या हालत है यह तो सभी को पता है। वर्तमान विधायक कोई भी जगह बता दे जहां उन्होंने विकास के कार्य किए हों। 230 विधानसभा के चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं को जीतने के लिए कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तय किया कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के सीनियर्स विधायक जाएंगे और जाकर वे संगठनात्मक दृष्टि से संगठन को चालना देने का काम करेंगे। और किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का मैंने कि इस बार का हमारा जो चुनाव होगा वो चुनाव हम बूथ के ऊपर लड़ेंगे। हमने उसके लिए मध्य प्रदेश में बूथ की कमेटी बनी है। पन्ने के ऊपर इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे बीच में हमारे बिहार के चंपाचरण जिला है, उसकी विधानसभा है ढाका विधानसभा के हमारे पवन जायसवाल जी हमारे उत्तर विधानसभा में आए हैं और वे अपना 19 अगस्त को से लगातार हमारा 27 अगस्त तक 8 दिन लगातार हम सभी कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दे रहे हैं कि इस प्रकार से हम उत्तर विधानसभा में काम करें और किस प्रकार से उत्तर विधानसभा को हम जीतें। उनका लगातार हम सबको मार्गदर्शन मिल रहा है और वे मुझे लगा कि आज हम पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपसे भी मुलाकात होना चाहते हैं और आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का राजा भोज मंडल का यहाँ पे कार्यकर्ताओं का बैठक भी है और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि जो विधायक प्रवास संगठन ने तय किए हैं उसके तहत वे पिछले 8 दिन से लगातार हम सबके बीच में काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक जमीन से जुड़े हुए साधारण से कार्यकर्ता को पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। लगातार 8 दिन से समाज के अलग अलग वर्गों में भाई सब है, समाज में हम किस प्रकार से पार्टी के अंदर किस प्रकार से काम करें, किस प्रकार से आने वाले समय में हम बूथों के ऊपर काम करें, उनका मार्गदर्शन मिला है। जिस प्रकार से उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं को देश के तरफी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं बताई और प्रदेश सरकार की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसको भी बताया और उसको किस प्रकार से हम जनता के बीच में लेकर जाएं, हितग्राहियों के बीच में लेकर जाएं, लाभार्थियों के बीच में लेकर जाएं, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। आदरणीय पवन जी जायसवाल जी पार्टी काफ़ी सीनियर है और उनका निश्चित रूप से जो अनुभव है कहीं ना कहीं हम उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को उसका लाभ मिल रहा है। वे आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हुए। मेरे लिए कोई फैक्टर नहीं है वो, देखिए मैं बिल्कुल नहीं, देखिए ये जो धारणा जिन लोगों ने बनाया है कि मुस्लिम आबादी इतना है, कोई आबादी से नहीं होता है, कोई आबादी से मतलब नहीं है। काम के बल पर, बेहतर नेतृत्व के बल पर वोट लेने वाले हम लोग हैं। हम राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लेते हैं। जिनको हमारा राष्ट्रवाद पसंद होगा, जिनको हमारी नीति पसंद होगी, जिनको हमारा काम पसंद होगा, जिनको मोदी जी का देश स्तर पर किया हुआ काम पसंद होगा, जिसको मोदी जी का ये चंद्रयान पसंद होगा, चंद्रयान 3, जिसको मोदी जी का यह पसंद होगा कि पहले के प्रधानमंत्री जाते थे, राष्ट्रपति जाते थे हमारे, दूसरे देशों में कैसा सम्मान मिलता था। आज कोई ऐसा देश नहीं है विश्व का जहाँ मोदी जी जाते हैं और मोदी मोदी का नारा नहीं लगता। इससे बड़ा सम्मान हिंदुस्तान को क्या हो सकता है जिसमें राष्ट्रीयता होगा, वो हिंदू या मुसलमान हो वो भाजपा को पसंद करेगा। जिसके मन में जातीय चीज कूट कूट के भरा होगा चाहे हिंदू या मुसलमान हो, उनको समझाना मुश्किल है। लेकिन मैं कह सकता हूँ जो मैंने देखा है, कोई ऐसा बैठक में हम सेंधमारी करने आए राजनीति में आप भी जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो वोट के लिए कर रहे हैं आप, तो आप वोट अधिकतम प्राप्त हो आपको उन पॉकेट्स से,
उसके लिए क्या प्लानिंग आप? देखिए हमने काम किया, हम अपने काम को बताएंगे। हम सरकार में नहीं रह रहते, पहली बार हमारी सरकार बनती तो हम कहते कि हम स्वर्ग का स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे सोना का। हम तो 9 साल सत्ता में रहे हैं, मेरे पास 200 योजना है जिसको हम दिखा सकते हैं। पहले लूट होता था कांग्रेस के राज में, हम लोगों ने 100 से ज्यादा योजना को सीधा लाभुकों के खाता में पैसा देने का नियम बनाया, चाहे आवास का पैसा हो कोई पैसा सीधा लाभुक के खाते में जाता है। हम लोगों ने जिस चीज को सुधारा है, जनता को इस चीज को समझाते हैं। पहले कहते थे लोग कांग्रेस के कि 100 में से 80 ही रास्ते में रह जाता है, 20 पहुंचता है। मोदी जी ने वह नियम लाया देश के किसी कोने में कि केंद्र का योजना हो तो सीधा पैसा लाभुक के खाते में जाता है। हम लोग गिनाते हैं ना कि हम लोगों ने कोरोना में कौन काम किया। पैसे वाला नहीं है, आप जो योजना चला रही हैं जन्म से लेकर मरण तक की योजना शिवराज जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में चलाने का काम किया है। 20 साल से ऐसे शासन में नहीं है, यहाँ कोई गठबंधन की सरकार नहीं चलती है। अपने बूते पर भाजपा और शिवराज जी और मोदी जी यहाँ पर जनता का दिल जीतते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से बिहार के विधायक, झारखंड के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक यहाँ के कार्यकर्ताओं से कला सीखने आए हैं, गुण सीखने आए हैं, और इसको हम लोग बिहार में उतारने का काम करेंगे। आप बिल्कुल नहीं समझ पाए, मेरी बात को समझ लीजिए। मैं क्या कहा कि बाहर के विधायक यहाँ 20 साल के भाजपा के किए हुए कार्यों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं के 20 साल के परिश्रम को सीखने भी आए हैं, और दल में परिवार में भी देखते हुएगा भाई बहन में रिश्ता गड़बड़ा जाता है, सास पतोह में गड़बड़ाता है, पति पत्नी में गड़बड़ाता है। देखिए जब बाहर के विधायक आए, मैं जब कह रहा हूँ सुन लिया जाए, बाहर के जब विधायक यहाँ आएंगे तो जो टिकट में नगर निकाय का चुनाव हुआ, कुछ लोग टिकट के लिए रूसे फूले होंगे, किसी को किसी से बात बंद होगा, तो बाहर के जो अतिथि आते हैं ना उससे सबका जुड़ाव होता है। तो एक गैप जो कम्युनिकेशन है कार्यकर्ता में किसी नेता के बीच में, उस दूरी को हम लोग समाप्त भी किए हैं। 2-4-5 मजबूत कार्यकर्ता अलग होते हैं, उनसे व्यक्तिगत मिलकर उनकी बात को भी सुनते हैं, और हम लोग यहाँ सीखने आए हैं, सिखाने नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ ग्रहण करने आए हैं कि 20 साल सत्ता में शिवराज जी कैसे रहे, कैसी योजना चलाए। बिहार में आंगनबाड़ी को मिलता है 5900 रुपया, 5900 रुपया, मध्य प्रदेश में मिलता है 13000 रुपया, वहाँ सहायिका को मिलता है 2900 रुपया, 2950 रुपया, यहाँ मिलता है 7500 रुपया। अंतर तो है, कहीं ना कहीं तो अंतर है। यहाँ बच्ची जन्म ले रही है तो फिक्स हो गया 1,18,000 मिलेगा, 1,36,000 मिलेगा, ये तो मेरे यहाँ नहीं मिलता है। माननीय विधायक हैं, वो कितने वर्षों से विधायक हैं यहाँ? 30 साल से विधायक हैं, तो 30 काम तो बढ़िया बताएंगे ना। हमारे कार्यकर्ता गांव मोहल्ले में जाएंगे, घर पर जाएंगे तो बोलेंगे ना, चाची 30 साल से विधायक हैं, उनका एक बढ़िया काम बता दीजिए, एक अच्छा काम बताइए। इनका काम तो दिखता है, भोपाल की जो खोई हुई पहचान थी उनको इन्होंने लाया, रामनी कमलापति जी से लेके यहाँ का जो भी विकास का काम है दिखता है। मैं गया एक मंदिर में तो परशुराम जी का जो मूर्ति लगा था, मैंने पूछा के लगवाया, तो आलोक शर्मा जी लगवाएं। मैं गया दिव्यांग वाले में, पूछा कि भाई यहाँ तो जो भवन बना है वो बनवाए हैं। मैं चला गया आज जहाँ पर सेवा भारती का कार्यक्रम हो रहा है कैंसर अस्पताल में, वहाँ का भवन रहने का जो आश्रय स्थल है बना कौन बनाया? तो आलोक शर्मा जी बनाए। मैं गया जहाँ भोजन चल रहा था उसका बिल्डिंग कौन बनाए? तो आलोक शर्मा जी बनाए। एक जगह और अन्य क्षेत्र में गए, वहाँ का बिल्डिंग कौन बनाए? तो आलोक शर्मा जी बनाए। काम आलोक शर्मा जी किए मेयर रह के, तो आलोक शर्मा जी अगर विधायक बनेंगे तो 230 विधायक में 10-20 विधायकों का अगर नंबर रहेगा तो उसमें आलोक शर्मा जी 1-10 विधायक में होंगे, क्योंकि इनमें काम करने की ललक है। ये मैंने कार्यकर्ताओं को बताया कि नेता मजबूत चुनना चाहिए, ये कलयुग है, कलयुग में नेता अगर मजबूत मिलेगा ना तो ब्यूरोक्रेसी को भी रोक के रखेगा, लगाम लगा के रखेगा। इसलिए मजबूत नेता को खोने की जरूरत नहीं है, आप खो चुके हैं 4000 वोट से।